मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो आज के इस गेम प्ले ये थोड़ा पुराना है मेरा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लैंड कर देते हैं। ये पबजी मोबाइल के आर का गेम प्ले है, तो आप लोग ये मत समझना कि ये नूब वाला गेम प्ले है, क्योंकि जब के आर मैंने स्टार्ट किया था और के आर स्टार्ट करते वक्त मतलब बहुत सारे पबजी प्लेयर हैं जो के आर में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि पबजी मोबाइल बैन हो चुका था। तो अब तो मैं फ़िलहाल ग्लोबल पर शिफ्ट हो चुका हूँ फिर से, लेकिन ये के आर का गेम प्ले है, आप लोग इसको इन्जॉय करिए। चलिए, तो यहाँ पर मेरे को एके मिल जाती है और कोचिंग की मैं एक या शायद दो स्क्वाड उतरी थी। तो यहाँ पर हम लोग लूट करके वो ये फाइव हाउस है ना, वहाँ पर शायद मुझे एक बंदा दिखा था, तो लेकिन मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर एक बॉट था, उसको मैं मार रहा था लेकिन नहीं मार पाया। तो और ये टॉमी के आयरन साइट आपको कैसी लगती है, आप लोग बताइए मुझे, मेरे को तो बहुत गंदी लगती है। तो यहाँ पर कुछ बंदे होते हैं जो फायर दे रहे होते हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ उनको मारने। तो सडनली एक ये बंदा आ जाता है उसी कंपनी फायर देते हुए, लेकिन मैं उसको नॉक कर देता हूँ, नॉक के साथ उसको फिनिश भी कर देता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो यार, पता नहीं मैं सपोर्ट, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 3 या 4 मंथ हो चुके हैं मुझे रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हुए, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और चलिए अब लूट वगैरह कर लेते हैं इसको। लेकिन ये देखिए, फाइव हाउस के येलो वाले घर में मुझे बंदा दिखा, तो मैं सडनली पीछे आ जाता हूँ, और पीछे आकर मैं यहाँ पर, मुझे एंगल चाहिए था तो एक लेने के लिए मैं यहाँ पर आया, बट मेरा एक टीममेट नॉक हो चुका था बंदे से, तो मैं उस पर नेट फेंकने की ट्राई करता हूँ और मैं फेंकता हुई हूँ, लेकिन वहाँ कोई नॉक नहीं होता। चलिए अपन चलते हैं, देखो साला पेन मार रहा है उसको, बहुत गंदी मौत मरा मेरा टीममेट, बट बदला लेंगे बदला। यहाँ पर एक बंदा होता है, चलिए देखिए इसको, पता नहीं मैं नॉक कैसे हो जाता हूँ। देखो मैं वहाँ पर अटक सा गया था, बट क्या करें, मेरा टीममेट लेकिन मुझे बचा लेता है। ये रैंडम होते हैं, लेकिन एक मेरा फ्रेंड होता है 2 नंबर। तो यहाँ पर भी हम लोग लूट लाट करके बस हेल्थ लगाएंगे और चलेंगे रश करने। लेकिन ये गेम प्ले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ये गेम प्ले डालूँगा, क्योंकि शुरुआत में अच्छे किल नहीं थे, बट आगे आगे देखते जाइए आप लोग क्या होता है, मज़ा आएगा उम्मीद है आपको। तो यहाँ पर एक बॉट मार देता हूँ मैं, उसको लूटने के बाद मैं यहाँ पर अपनी स्किल्स दिखाता हूँ मेरे टीममेट को, देखियो आप भी देखिए मेरी स्किल्स, मोमेंट बोलते इसको, सॉरी स्किल्स बोल दिया, सॉरी फॉर नॉइस, मैं बिना हेडसेट के मतलब वॉइस ओवर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, अच्छे से नहीं होगा पता है मुझे। चलिए यहाँ पर मैं स्किल से दिखा रहा था उसको, बस मज़ा आ रहा था, आप भी देखिए। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग को बंदे नहीं मिल रहे थे, तो मैं ब्रिज के यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ ड्रॉप गिरा था तो मैं ड्रॉप लूटने, लेकिन ये पहले से ही लुटा हुआ था, तो मैंने M4 उठाई जस्ट, और मैंने अपने टीममेट से बोला कि चलो गाड़ी में बैठो, और चलो बैठते हैं और फिर रश करने जाते हैं, बंदे मिल ही नहीं रहते, एक बात तो ये है। चलते हैं अपन, अरे बैठ जा 4 नंबर। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इस वाले घर में जहाँ पर ड्रॉप गिरा था, तो ड्रॉप सडनली गिरा ही था,
तो हमने यहाँ से एम के बेस्ट गन मिल चुकी थी मुझे, क्लोज रेंज की यहाँ पर मिल चुकी थी मुझे एम के, और मैंने अपने टीममेट से बोला कि चलो रश करते हैं यहाँ पर, यहाँ से फायर आ चुका था। तो मैं सडनली उतरा और ये देख लिया, ये क्लिप देख लिया, तो यहाँ पर मैं अपनी एम के रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद हेल्थ लगाता हूँ, हेल्थ लगाने के बाद सडनली एक बंदा आता है, देखना अभी देखो, अरे सॉरी, यहाँ से बंदा आता है, इसको नॉक देता हूँ, उसका कवर फायर देने एक और टीम मेट आता है उसको भी नॉक करता हूँ, और ये देखिए देखिए पता नहीं क्या कर रहा है, और यहाँ से एक क्लच हो जाता है भाई। सच में यार बहुत धक्क होता है जब क्लच मारता हूँ, हाथ एकदम बिल्कुल कांप जाता है। आप तो बताना आपका होता है ऐसा कि नहीं होता। तो यहाँ पर मैं रेंडमली घूम रहा था तो सडनली गाड़ी निकलती है, लेकिन मैं उसको स्प्रे नहीं देता दे पाता हूँ क्योंकि वो लेट हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बॉडी कनेक्ट कर देता हूँ एक बंदे को, बट क्या नॉक ही नहीं हुआ। और यहाँ से एक और स्क्वाड आ जाती है गाड़ी लेकर, मैं पीछे भागने लगता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था ही नहीं मैं मारूँगा इनको। तो यहाँ से मैं एम पे और रेड डॉट से एक बंदा नॉक करता हूँ और कवर में आके रीलोड करता हूँ, और फिर से एक और नॉक देता हूँ और आगे जाता हूँ मैं रश करने, और एम फोर से इसको फिनिश भी कर देता हूँ इन दोनों को। तो ये पता नहीं कितने बंदे थे, लेकिन मैंने दो को लुढ़का दिया था और कवर में आके बैठ जाता हूँ कि अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रेड जोन में मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब होती है और वॉइस ओवर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप लोग सह लीजिए इसको, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शायद से फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ वॉइस ओवर। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को वॉइस ओवर वाला गेम प्ले चाहिए कि नॉर्मल वाला, और एक दो दिन में मेरा वॉइस ओवर भी सुधर जाएगा क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाता है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी लेकर अपने बंदों से बोलता हूँ चलो आओ रश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं वहीं पर, तो यहाँ तो बंदे नहीं होते लेकिन इस इन घर में बंदे होते हैं। तो मैं सडनली इसको गाड़ी को रोकता हूँ और ये देखो लेटा हुआ था, इसको नॉक देता हूँ और उसके बाद अंदर जाता हूँ मैं घर के। अंदर घर जाने के बाद ड्रॉप के पीछे एक बंदा था, उसको मैं एम के देता हूँ। एम के भाई, एम के तो प्यार है अपना, इसको फिनिश भी कर देता हूँ साथ ही साथ। और एक बार यहाँ पर बंदा लेटा हुआ था पास में, वो मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं इस विंडो पे आता हूँ और तो उसको एम के से फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक क्लच हो जाता है 1v3। तो आप लोग लाइक और शेयर कमेंट भी कर देना भाई लोग। इसको रिवाइव देते हैं अपने टीममेट को और चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। तो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर एक बग्गी आती है और मैं उन बग्गी वाले तो मेरी गाड़ी टूट जाती है, तो मैं उसको स्प्रे लेता हूँ। स्प्रे में तो नॉक नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी से उसको क्लोज इन करूँ। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ यहाँ पे और अपने टीममेट को बिठाता हूँ, स्टैन नंबर को भी बिठा रेंडम में। और यहाँ पर मुझे बंदा दिखा, मैंने सडनली मैं जंप कर दिया और मेरी हाफ एच पी हो गई, लेकिन मैं मेरे पास एम के थी तो मैंने उसको नॉक कर दिया, लेकिन मेरी एच पी 10 या 20 HP बची थी। तो मैं गाड़ी के पीछे लेट कर हेल्थ लगाने लगा, हेल्थ लगाने के बाद मैं उठा और यहाँ पर क्लच हो चुका था, लेकिन मेरे को एक ही किल मिला था। तो यहाँ पर ब्रिज के ऊपर बंदे थे, तो मैं उतरा, एक नॉक दिया, दोनों को ले गया मैं, फिनिश भी कर देता हूँ लगे हाथ। और लास्ट एनिमी पता नहीं कहाँ था, खत्म ही है बंदा, मैं उसको ढूंढ ही रहा था। तो मुझे हल्का सा राइट से मतलब नीचे से मुझे साउंड आया, पहले तो मैं इसको फिनिश करूँगा। और मैं ऊपर जाते जाते मुझे हल्का सा साउंड आ चुका था,
बंदों का। तो मैं इसको रिवाइव देता हूँ पहले, और रिवाइव देने के बाद मुझे साउंड आ चुका था, तो मैं सडनली नीचे कूदा और नीचे कूदा यहाँ से, और यहाँ पर बंदा था और इसको फिनिश कर दिया। तो इजी चिकन डिनर हो चुका है भाई लोग। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को कैसा गेम प्ले चाहिए, अपना कॉमेडी वाला कि, और वॉइस ओवर भी बता देना कैसा लगा। तो यहाँ पर आप लोग मेरा स्प्रे देखिए भाई, उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, और लो एंड डिवाइस है यार भाई लोग, पता नहीं अब तो मैं नहीं खेल पाता हूँ इतना अच्छा, बहुत ही गंदा लैग होता है। आप लोग मुझे समझ सकते हो कि अगर आप लोग के पास भी एक लो एंड डिवाइस है तो भाई लोग आपको मेरा गेम प्ले उतना अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसा है आप लोग देख लीजिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।